ये हमारा कंप्रेसर चल रहा है और ये लगभग 0.5-0.6 एम्पियर शो कर रहा। यहाँ देखें, ये डिस्चार्ज बता रहा और ये हमारा सक्शन बता रहा। तो इस तरह से ये पता चला कि हमारा ये कंप्रेसर, इसका जो मोटर है वो पूरी तरह से ठीक है। अब हम इसे बंद कर देंगे। रेफ्रिजरेटर का सबसे अहम पार्ट उसका कंप्रेसर होता है, और जब ये खराब हो जाता है तो उसकी टेस्टिंग को प्रॉपरली बहुत से लोग नहीं कर पाते। दोस्तों, मैं इस्माइल खान, आज के इस वीडियो में हम रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर की प्रॉपर टेस्टिंग को बताएंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर है, और इसकी प्रॉपर टेस्टिंग के लिए हमारे पास एक क्लैंप मीटर या टांग टेस्टर होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, और दो वायर यानी एक लीड वायर होना चाहिए जिसमें दो वायर हो और दोनों में इस तरह का थिंबल लगा हुआ हो। कंप्रेसर को टेस्ट करने के लिए अपने क्लैंप मीटर को हम सबसे पहले कंटिन्यूटी मोड में रखते हैं, और कंटिन्यूटी मोड में रखने के बाद, जैसा कि आप इसका बीप साउंड सुन रहे हैं, और यहां पर इसकी कुछ रीडिंग भी दिखाई दे रही है, तो हमें रीडिंग देखना है कि रीडिंग शो कर रहा है या नहीं। मीटर को इस तरफ रख दें। अब ये हमारा जो दोनों प्राड है और ये हमारा वो डिस्प्ले है जहां पर हमें रीडिंग शो होगी, और ये तीनों टर्मिनल हैं कंप्रेसर के, जिन्हें हम बारी बारी से इस प्राड को अलग अलग रखेंगे। सबसे पहले हम नीचे के दोनों टर्मिनल पर रखेंगे, तो यहां कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी शो हो रही है। इसी तरह से हम इस साइड पर और ऊपर पर रखेंगे तो भी कंटिन्यूटी शो हो रही। इसी तरह से ऊपर और इस साइड पर हमने रखा तो कंटिन्यूटी शो हो रही। इसका मतलब इस कंप्रेसर की जो वाइंडिंग है उसकी कंटिन्यूटी अभी अंदर से ओके है। अब हम इस कंप्रेसर की बॉडी पर कहीं ना कहीं अच्छे से स्क्रैच कर लेंगे, जैसे हमने इसके पाइप को इस जगह से स्क्रैच कर लिया। स्क्रैच की हुई जगह पर दोनों प्राट को थोड़ा दूर आपस में यहां टच करते हैं, जिस जगह पर ये बीप साउंड या कुछ रीडिंग दे उनमें से एक प्राट को हम वहीं रखते हैं, और दूसरा प्राट तीनों टर्मिनल में से बारी बारी से रखते हैं। अगर ये कंप्रेसर हमारा ग्राउंड होता या इसमें अर्थिंग होती तो यहां बीप की साउंड आती या कोई रीडिंग यहां दिखाई दे रही होती, लेकिन ना कोई रीडिंग है और ना ही कोई बीप का साउंड है, इसका मतलब इसमें कोई अर्थिंग नहीं है। इसके बाद इस कंप्रेसर को हमें डायरेक्ट स्टार्ट करना होता है। डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए हम इस क्लैंप मीटर के जरिए इसके रेजिस्टेंस को निकालेंगे, और उस रेजिस्टेंस से हम इसके टर्मिनल का पता लगाएंगे। इस कंप्रेसर की अगर हमें टर्मिनल का पता लगाना हो तो इसे हम आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ में आए, इसके लिए हम यहां पर एक फिगर ड्रा कर दे रहे हैं। जैसे ये हमारे टर्मिनल का फिगर है, इसमें एक टर्मिनल ऊपर है, एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है। अब इस वक्त अगर हम इसके दोनों टर्मिनल जो नीचे के हैं वहां पर टच करते हैं तो यहां हमें रीडिंग मिलती है 56 पॉइंट समथिंग, यानी इन दो पॉइंट पर हमें 56 पॉइंट समथिंग कोई रीडिंग मिली। इसी तरह से अब हम एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ करते हैं तो हमें 27 पॉइंट समथिंग की रीडिंग मिल रही है। हम इसे यहां पर लिख लेंगे। इसी तरह से हम इन दोनों टर्मिनल पर भी रीडिंग को ले लेंगे, और ये तकरीबन 31 है, यानी इस जगह पर 31 है। अब इस रीडिंग के हिसाब से हम इसके टर्मिनल को कैलकुलेट करेंगे। जिन दो पॉइंट पर सबसे ज्यादा आ रहा है यानी 56.5 है, और यहां पर सबसे कम है, और इस जगह सब बीच का है, तो जो सबसे ज्यादा होता है वो हमारा रन और स्टार्ट टर्मिनल होता है। जो हमारा बीच का रीडिंग आती है ये रीडिंग हमारी कॉमन और स्टार्ट की होती है। इसी तरह से जो सबसे कम होती है वो कॉमन और रन की टर्मिनल होती है। तो इस हिसाब से जो हमारा रिजल्ट आया, अगर ये सबसे ज्यादा रीडिंग है, रन और स्टार्ट है, इसका मतलब ये हमारा कॉमन टर्मिनल है, और अगर ये बीच का है, इसका मतलब कॉमन स्टार्ट है, तो इससे ये पता चलता है कि जो सामने वाला है
वो हमारा रन टर्मिनल है, और अगर ये दोनों रन और कॉमन है तो इसका मतलब ये हमारा स्टार्ट टर्मिनल है। इससे ये पता चला कि हमारा ये टर्मिनल कॉमन है और ये वाला स्टार्ट है और ये वाला रन है। अब हम कॉमन स्टार्ट रन टर्मिनल के हिसाब से इसे डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमारे पास ये दो वायर हैं जिसमें थिम्बल लगे हुए हैं, तो एक थिम्बल को हम इसके कॉमन सिरे पर कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से, और जो दूसरा वायर है उसे हम इस जगह कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने एक थिम्बल वायर कॉमन पे कनेक्ट कर दिया है और दूसरा थिम्बल जो वायर के साथ कनेक्ट है उसे हमने रन टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। अब इसको हम इस तरह से लगाएंगे, जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है वो रन और स्टार्ट टर्मिनल के बीच होगा। यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि हमारा स्क्रू ड्राइवर इस बॉडी से भी ना टच करे और ना ही इस कॉमन टर्मिनल से टच करे। इसमें सप्लाई देने के लिए इसके दोनों सिरों को हम अपने ये एक्सटेंशन बोर्ड से या सीरीज टेस्ट क्लैंप बोर्ड का जो पैरेलल सॉकेट यानी मेन सॉकेट है उससे सप्लाई लेंगे, और जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो सप्लाई यहां आएगी। इस सप्लाई से कितना एम्पियर ये ले रहा इसके लिए हम अपने इस क्लैंप मीटर को इस एम्पियर 200 एम्पियर पर सेट करेंगे ताकि ये हमारी रीडिंग यहां पर सही से पता चल सके, और इसे हम एक वायर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। यहां बहुत ही केयरफुली जिस तरह से हमने बताया था कि रन और स्टार्ट के बीच इनको हम रख लेते हैं और कॉमन सिरे को टच नहीं करते हैं किसी भी तरह से इस स्क्रू ड्राइवर से, ना कॉमन का सिरा टच हो, ना बॉडी टच हो, ना हमारा हार्ट टच हो, यानी बिल्कुल बहुत ही केयरफुली इसे टच करते हैं। अब यहां जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो ऑन करते ही ये कंप्रेसर हमारा चलने लगेगा और यहां पर एम्पियर शो करेगा। ये हमारा कंप्रेसर चल रहा है और ये लगभग 0.5 0.6 एम्पियर शो कर रहा है। यहां देखें, ये डिस्चार्ज बता रहा और ये हमारा सक्शन बता रहा। तो इस तरह से ये पता चला कि हमारा ये कंप्रेसर इसका जो मोटर है वो पूरी तरह से ठीक है। अब हम इसे बंद कर देंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक चैनल ना सब्सक्राइब किए हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली इस तरह की हमारी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।